हेलो उत्तरण फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो फटाक से देखते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। लेकिन पहले लाइक मार दो, हाँ एक कमेंट भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो ध्यान से कर लेना, देखो वो जरूरी चीज़ है। लाइट चली गई, लाइट को किसी ने मार दी गोली, तो लाइट को हटाओ। एपिसोड में हमने देखा था तो यान और कायरिन के बीच की केमिस्ट्री की फिजिक्स तक पहुंच गई थी। जब ये दोनों लोग बाहर आए थे तब इन दोनों का ही वेट कर रहे थे। कायलिन ने मुयर से भी कहा था, तुम्हारी जो यान के साथ शादी हो जाएगी मैं 3 महीने तक वेट कर लूंगी, चिंता मत करो मुयर, समझ रहे हो। वो मतलब मत समझो, ये समझो कि इनका रिश्ता अच्छा हो गया है, क्या मिल बांट के जो यान को खाने के लिए लड़कियां रेडी हैं। इसके बाद हमने देखा था जो यान ने कायलिन को एनी और किंगलिन के बारे में भी बता दिया था। कायलिन वारकार्ड फैमिली की तरफ निकल गई थी। दूसरी तरफ यान बैठकर बस यहाँ पे बातचीत कर रहा होता, लेकिन तभी का ट्रांसमीटर अचानक से ऑन होता और उसे किंग बूचेन से यूनर के बारे में पता चलता है। यूनर कहाँ पे है? गुकलेन में है। किंग बूचेन ने गुकलेन को उस बंदे से पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी, उसको वाइन पिला पिला कर। देन जब जोयान को पता चलता है तो जोयान वहाँ अकेले ही जाने वाला था, लेकिन जैनी जोयान को समझाती है और कहती है रुको पूरी टीम लेकर जाओ, सेफ रहना। यहाँ पे डेमन एम्परर ने फादर और मर्चेंट अलायंस में बात करके तुम्हारे लिए मदद इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद जोयान अपनी टीम के साथ पहुंचता है गुकलेन के गेट के बाहर, तो गुकलेन का जो पैट्रियार्क होता है वो हैरान होता है कि ये जोयान है, यूनर का हस्बैंड, वो यहाँ किस लिए आया है। ग्रेट एल्डर कहता है उसे थोड़ी पता है कि यूनर यहाँ पर है, पता होता तो 1000 साल पहले ना आ गया होता। हो सकता है कुछ बातचीत करने के लिए आया होगा, शायद मेडिसिनल हर्ब्स खरीदने आए हो, तो बिजनेस बढ़ाते और मिल के आते हैं। जिसके बाद मैं एपिसोड वहीं पर एंड कर देता हूँ। अब बेचारों को नहीं पता कि उनकी लंका लगने वाली है। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शूटिंग तुरंत ही हॉल के बाहर निकलते हुए गेट पे जाते हैं, हंसते हुए चेहरे के साथ कहते हैं मुझे नहीं पता आज हवा किस तरफ चल रही है। जियो क्लेन के रिपोर्टेटेड पैट्रियार्ड जियो यान यहाँ पे आए हैं। गु क्लेन तो काफी ज्यादा लकी है, टाइम पे तो गुटिंग और दोनों हेल्डर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं, चेहरे पर एक दिखावटी स्माइल होती है कि हार्ट बीट तो अभी भी उन सभी लोगों की तेज थी। हालांकि इन सभी के आने पर भी जोयान और बाकी सभी लोग अपने ऑरे को जरा सा भी वीक नहीं करते, तो पूरे के पूरे ऑरे के प्रेशर को इन्हें फील होने देते हैं। देखकर गुटिंग तुरंत ही कहता है इन्हें 4 स्टार पावर के साथ देखते हुए 5 स्टार पर होने चाहिए, है ना, क्योंकि उसे जोयान और बाकी सभी लोग का पावर लेवल दिख नहीं रहा था। कि वो तुरंत ही हंसते हुए सभी को अंदर हॉल में आने के लिए इनवाइट करता है, वो भी और भी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से, जिसे देखकर जोयान और बाकी सभी लोग थोड़ा सा हैरान होते हैं। जोयान और बाकी सभी लोग इसलिए भी हैरान थे कि आखिरकार इन्हें भी नहीं पता वो यहाँ पे क्यों है, फिर भी ये इतने ज्यादा एक्साइटेड होकर उनका वेलकम कर रहे हैं, वो भी अपने जियो अपने उकलेन के अंदर। जोयान अपने दिल में सोचते हुए कहता, अगर इस बार मैं यूनर को बिना खून खराबे के यहाँ से ले जा पाया मैं आपकी ट्राइब को छोड़ दूंगा, फ्यूचर में जियो क्लेन हमेशा इसकी मदद करेगा, अगर नहीं तो आप अपने इंस्ट्रक्शन के जिम्मेदार खुद होंगे, ऐसा कहते हुए जोयान तुरंत ही दिल के थॉट दिल में ही रखता है और स्माइल करते हुए उन्हें ग्रीट करता है। के बाद जो यान को यहाँ पे चाय सब की जाती है, जिस पे जोयान चाय पीता है, तभी पैट्रियार्ड गुटिंग स्माइल करते हुए जो यान की तरफ देखते हैं, तुरंत ही कहते हैं क्या मैं पैट्रियार्ड जो से पूछ सकता हूँ वो तो हमारे एशियंट क्लेन में क्यों आए हैं। तो सुनकर जो यान सीधा ही सर के पीछे झुकते हुए काफी शांत तरीके से कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी पैट्रियार्ड गु इतने ज्यादा सीधे हैं। जो सुनकर तो गुटिंग को अपने दिल में ठंडक बेचैनी दोनों महसूस होती है। जोयान तुरंत ही कहता है पिछले 1000 सालों में उकलेन में कितने लोग और कॉन्टिनेंट से इस कॉन्टिनेंट में आए हैं। जो सुनकर तो तीनों ही लोगों के फेस इंप्रेशन बदल गए होते हैं, वो तुरंत ही सोचते हैं कि क्या यूनर का मामला सच में उजागर हो गया है। इसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं इम्पॉसिबल, उकलेन के अंदर तो ये ऑर्डर काफी साइलेंटली पास किया गया था, जो मेंशन तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, उन्हें इसके बारे में कैसे पता चल सकता है। तो फिर इस सवाल से जॉन का मतलब क्या था, सभी का केवल एक ही क्वेश्चन होता है। इसीलिए गुटिंग तुरंत ही शांत होते हुए कहते हैं बिल्कुल नहीं समझा पैट्रियार्ड जो का मतलब क्या है। फिर जॉन कहता है कोई बात नहीं मैं से आसानी से आपसे पूछता हूँ, 1000 साल पहले आपके गुकलेन को क्योंकि कॉन्टिनेंट से कोई पर्सन मिला था, यहाँ पे बेवकूफ कोई भी नहीं था और वो सब समझ गए होते कि जोयान आखिरकार बात किसकी कर रहा है। इसीलिए गुटिंग की हार्ट बीट तो काफी तेजी से धड़क रही होती है, उसे काफी बुरा लगता है कि यूनर के बारे में खबर सचमुच में लीक हो गई है। फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर एक दूसरे को उदास होकर देख रहे होते हैं, जो पैट्रियार्ड थे वो काफी समझदार था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल करते हुए सोचने का नाटक करता है और तुरंत ही कहता है
ओई पेट्रियार्ड जी और ड्यूकी कॉन्टिनेंट से हैं, मुझे अभी याद आया। वैसे पिछले 1000 साल के अंदर काफी सारे लोग लोअर कॉन्टिनेंट से इस कॉन्टिनेंट में आए, मुझे तो उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही मुझे वो याद है। क्या फर्स्ट एल्डर उनमें से किसी को जानते हैं? यहाँ पे फर्स्ट एल्डर भी पेट्रियार्ड की बात को समझ गए होते हैं, इसलिए वो तुरंत ही कहते हैं मुझे माफ करिएगा, लेकिन ड्यूकी कॉन्टिनेंट से तो कोई भी नहीं आया। और इसके बाद वो बातचीत को बदलते हुए कहते हैं, कैसा रहेगा अगर पेट्रियार्ड जियो अपने फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन मुहरे तक छोड़ दे? अगर ऐसा कोई भी पर्सन आता है तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं मास्टर को सूचित करने की कोशिश करूंगा, क्या ये ठीक है? और इतना कहते वो पेट्रियार्ड की तरफ देखते हैं और चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उनकी बात को सुनकर पेट्रियार्ड भी काफी खुश होते हैं, क्योंकि पेट्रियार्ड को पता था कि जॉन के पास कोई प्रूफ तो है नहीं कि यूनर यहाँ पर है। फैमिली ट्री तो उनके पास है जिसमें यूनर का नाम ग्लो हो रहा होगा। दूसरा जो यान के जो चेहरे पर स्माइल थी वो अब गायब हो गई होती है, लेकिन जॉन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उन्हें आखिरी मौका देते हुए कहता है, पेट्रियार्ड क्या आप एक बार फिर से देख सकते हैं? जो यान की आवाज को सुनकर तो गोटिंग का चेहरा काला पड़ गया होता है और वो तुरंत ही कहते हैं, क्लेन चीफ जियो क्या आपको लगता है कि हम आपको धोखा दे रहे हैं? यहाँ पे ग्रेट एल्डर भी काफी उदास होते हुए जो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्लेन चीफ जियो हमारा और हमारे एशियन गोक्लेन का कभी भी आपके साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं था। पास्ट में कोई भी नफरत नहीं, न ही प्रेजेंट में कोई नफरत है। आप अपने फ्रेंड की तलाश में एशियन गोक्लेन में आए हैं, ये तो हमारे लिए काफी खुशी की बात होती, क्या आपको लगता है कि हम इस बात को छिपाएंगे? यहाँ पे तो ये सुनकर सभी लोगों को अब गुस्सा आ गया होता है। तभी जोयान अपने चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल के साथ खड़ा होता है, जिसके बाद जोयान कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, नाटक बहुत अच्छा कर लेते हो, साथ ही एक दूसरे के साथ कॉपरेट भी काफी अच्छा करते हो। और इसके बाद जोयान चारों तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें केवल एक अगरबत्ती जलने जितना टाइम देता हूँ, अगर तुम यूनर को मुझे नहीं सौंपते तो इसके बाद मुझे भी नहीं पता कि रिजल्ट क्या होगा। और जो यान का पावरफुल ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है, यहाँ पे गुटिंग और दोनों एल्डर्स के तो चेहरे पीले पड़ गए होते हैं और पैर कांपने लगे होते हैं। उनके मुंह से केवल एक ही आवाज निकलती है कि यह ऑरा 5 स्टार का नहीं है। आखिरकार 4 स्टार पीक लेवल पर उन्हें इतना ज्यादा बेकार तो ये ऑरा नहीं फैला फील करा सकता था अगर ये 5 स्टार का होता तो। इसीलिए वो तुरंत ही सोचता, क्या ऐसा हो सकता है जो यान बाकी सभी लोग 6 स्टार पर हो? इसलिए गुटिंग कॉन्फिडेंस तरीके से खड़ा होते हुए कहता है, जो यान आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए, हालांकि हमारी एशियन ट्राइब वीक है लेकिन ये डैन पैलेस से रिलेटेड एक फैमिली है। अगर आप हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो आपको डैन पैलेस के गुस्से को भी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि जहाँ पे पेट्रियार्ड गोटिंग बेवकूफ था, वहीं पे फर्स्ट एल्डर थोड़ा सा समझदार था। वो तुरंत ही कहता है, यंग मास्टर जियो, पेट्रियार्ड जियो शांत हो जाइए और मेरी बात तो सुनिए, आप कई सुनी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? आखिरकार आपको जियो क्लेन के बारे में भी तो सोचना चाहिए। हमारे पास अगर कोई चीज होती तो हम आपसे भला उसके लिए क्यों ही छुपाते? क्या हम वो चीज के बारे में आपको बता नहीं देते? हम आपसे सच कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो अब हर कोई गुस्सा हो गया होता है डैन पैलेस की बात को सुनकर। मुयर गुस्से में डांटते हुए कहती है, तो तुम लोग वास्तव में हमें दबाने के लिए अल्केमिस्ट पैलेस का नाम यूज करना चाहते हो? ये मत सोचो कि हम नहीं जानते कि आप डैन पैलेस के यंग मास्टर को खुश करने के लिए यूनर का यूज करना चाहते हैं। और क्योंकि यूनर आपकी बात नहीं मान रही, इसीलिए आपने 1000 साल से उसे नजर बंद करके रखा है। अब आप दोस्त बनना चाहते हैं या दुश्मन, ये आपके ऊपर है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम आपके गुकलेन को डिस्ट्रॉय भी कर दे तो। जब उन्हें ये पता चलता है कि इस बात को सभी लोग जानते हैं तो गुटिंग और दोनों के दोनों एल्डर के तो होश ही हरे हो गए होते हैं भाई। उनके चेहरे का कलर देखने लायक होता है। और अब उनके पास इस बात से मना करने का भी कोई भी रीजन नहीं था, इसलिए वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और काफी क्रूअल फेस के साथ वो तुरंत ही कहते हैं, 7 6 स्टार लेवल के वॉरियर्स, आप मेरे गुकलेन को तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सच में सोचते हैं कि आप डैन पैलेस के यंग मास्टर की रिवेंज को बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आप पिल पवेलियन के गुस्से को सहन कर पाएंगे? यहाँ पे गुटिंग भी सीधी बात करते हुए कहता है, क्योंकि आपको पता था इस चीज के पीछे डैन पैलेस के यंग मास्टर हैं, तो आप यहाँ क्यों आए? सीधा ही उन्हीं के पास जाना चाहिए था ना। जाइए उनके पास, हम समझेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगर आप नहीं गए तो? जैसे जॉन हंसते हुए कहता है, तो क्या? जॉन की बॉडी से निकलने वाला किलिंग इंटेंट ऑरा अब तक पूरे हॉल में फैल गया होता है। और यहाँ पे गुटिंग और दोनों के दोनों एल्डर्स ने 7 स्टार लेवल के वॉरियर के किलिंग इंटेंट ऑरा को कभी फील नहीं किया था, उनकी तो धड़कने रुक गई होती है। और जब एल्डर समझ जाते कि अब तो जो यान इन्हें मार देगा, इसीलिए वो जॉन को धमकाते हुए कहते, जो यान का तुम डरते नहीं हो कि पिल पवेलियन तुम्हारे, क्या तुम्हें डर नहीं है कि डैन पैलेस द्वारा तुम्हारे जियो क्लेन को खत्म कर दिया जाएगा? यहाँ पे तो जॉन कुछ भी नहीं कहता, बस उसकी आंखें ब्लड रेड हो गई होती हैं। और जियो यान इतने गुस्से में होता है कि उसकी आंखों से फ्लेमें रिलीज होने वाली होती है। बाकी सभी लोग बस जियो यान के ऑर्डर का वेट कर रहे होते हैं कि बोलो मास्टर पेल देते हैं। दूसरी तरफ एल्डर सोचते हैं कि जॉन डर गया, इसलिए वो काफी प्राउडफुल तरीके से स्माइल करते हैं।
क्योंकि उसे लग रहा था जोयान प्रेजेंट टाइम पे जोक्लेन का पेट्रियार्ट है। एक लड़की के लिए वो जोक्लेन को डिस्ट्रॉय थोड़ी करना चाहेगा भाई, उसने पूरा ड्यूकी कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय कर दिया था उस लड़की के चक्कर में, ये डाउट जोक्लेन लेके बैठा हुआ है। इसीलिए आप एक सेकंड एलर कहते हैं, आप चाहे कुछ भी कहें हम यूनर को आपको नहीं देंगे। यहाँ पे तो सेकंड एलर बस बक बक कर रहा होता है, उसने जोयान के ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और कह रहा होता है आप हमसे बेहतर है, बहुत बेहतर, लेकिन आप एल्केमी पैलेस के सामने कुछ भी नहीं, एल्केमी पैलेस के सामने आप। और इससे पहले कि कुछ बोल पाता है जोयान का पाम अटैक एल्डर से टकराता है, खत्म टाटा बाय बाय, सामने फट गया भाई, चीथड़े उड़ गए, मास्क तक नहीं बचा, खून भी गायब। यहाँ गुटियान और फर्स्ट एल्डर दोनों हैरान होते कि मारने के बाद सफाई भी कर दी, जोयान से ऐसा करने की उम्मीद तो उन्होंने नहीं की थी। इसलिए यहाँ पे गुस्सा होते हुए ये थोड़ा सा डरा हुआ फील करते हैं, लेकिन इन्हें अभी भी लग रहा होता है कि जोयान डैन पैलेस से डरता है और वो केवल दिखावा करने के लिए सेकंड एल्डर को मार रहा है। इसलिए फर्स्ट एल्डर यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, जोयान तुम बहुत बहादुर हो, तुम वास्तव में मेरे एशियन गुकलेन के एल्डर को मारने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए, नहीं तो हम यंग मास्टर को बता देंगे और तुम्हें पूरे जोक्लेन के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसीलिए से पहले ही जोयान इसे भी मार देता है, साला सुन तो लेने देते, इसलिए के बाद क्या था, ये राज अब फर्स्ट एल्डर के साथ राज ही रह गया क्योंकि वो मर चुका है। लेकिन फर्स्ट एल्डर का खून चारों तरफ बिखर जाता है, जोयान इस बार साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। गुटिंग जोयान के खतरनाक बिहेवियर को देखकर समझ गया होता है कि जोयान को एल्केमी पैलेस का जरा सा भी डर नहीं है, इसीलिए वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और शांत होने का नाटक करता और कहता है, क्या तुम सचमुच में पिल पवेलियन को नाराज करने से नहीं डरते? जो देखकर जोयान कहता है, डैन पैलेस, डैन पैलेस, अगर ये हेवन भी होता तो भी मैं हेवन के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार था। मैं केवल तुमसे आखिरी बार कहूंगा, यूनर को मुझे सौंप दो वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। तभी अचानक हॉल के बाहर काफी सारे कदमों की आवाज आती है और सैकड़ों गार्ड जो हॉल के अंदर की हलचल से अट्रैक्ट हुए थे तुरंत उस तरफ दौड़ने लगते हैं। लेकिन चारों तरफ बिखरे हुए खून और पेट्रियट को अकेला खड़ा हुआ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हालांकि तभी पेट्रियट अपने लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इन लोगों को पकड़ लो। लेकिन तुरंत उसे एहसास होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जोयान ने फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर को मार दिया, मतलब ये काफी पावरफुल है, क्या ये सभी गार्ड उसके हाथों मार नहीं दिए जाएंगे? इसलिए वो तुरंत ही अपने ऑर्डर को बदलते हुए गॉड गार्ड्स को पीछे हटने के लिए कह देते हैं। लेकिन इस टाइम पे पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि जो जान गोल्डन हाउलिंग टाइगर में बदलकर अपने गुस्से को बाहर निकालता है और इन सभी लोगों की लंका लगा देता है, जिसके बाद जमीन पर केवल टूटे फूटे बॉडी पार्ट ही पड़े हुए होते हैं। और इतने बड़े डिजास्टर को देखकर तो पूरी एशियन ट्राइब ही हैरान हो गई होती है और पूरे हॉल के भीतर बाहर गुकलेन के सारे लोग जमा हो गए होते जो काफी उदास होते हैं, हर किसी के पैर कांप रहे होते हैं और सब डरे हुए होते हैं, किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। यहाँ पे गुटिंग केवल वहाँ अकेला खड़ा हुआ होता है और चारों तरफ बिखरे खून और टूटे बॉडी पार्ट्स को देख रहा होता है। वो एक चीज तो समझ गया होता है, ये सभी लोग पूरी तरीके से पागल है और ये उस लड़की के लिए इन सभी को भी मार सकते हैं, उसके पैर कमजोर हो रहे होते हैं और जॉन को वो अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रहा होता है। तभी जॉन बिल्कुल उसके सामने खड़ा होकर उसके सामने अपने ऑरे को रिलीज करता है और पूरी पावर के साथ उसे डराते हुए कहता है, अगर मैंने एक पल के भीतर यूनर को अपने सामने नहीं देखा तो अगले पल तुम्हारी एशियन गुकलेन डाउडी कॉन्टिनेंट में मौजूद नहीं रहेगी। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी लेकिन काफी कोल्ड थी, जैसे एक चीज तो पता थी कि ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये किया जा सकता है। जैसे ये नाम एशियन ट्राइब के बाकी के लोग सुनते हैं तो वो तुरंत ही कहते हैं यूनर, और वो तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं कि वास्तव में उस लड़की के लिए इतना ज्यादा खून खराबा, क्या वास्तव में एक लड़की के कारण पूरे एशियन गुकलेन को डिस्ट्रॉय करना सही होगा? यहाँ पे जो या ने तो गुटिंग के कंधे को भी अपने हाथ से ही काट दिया होता है। इस टाइम पे गुटिंग अपने घाव को ढकते हुए काफी उदास तरीके से गुकलेन के सभी लोगों की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि वास्तव में उसके कारण ये सब हो रहा था। और भले ही जोयान आज उसे जिंदा भी छोड़ दे, फ्यूचर में क्लेन में उसकी रेपुटेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। इसीलिए वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या होगा अगर मैं आपको यूनर का ठिकाना बता दूं, तो क्या आप मेरे गुकलेन को जिंदा छोड़ सकते हैं, क्या आप जाने दे सकते हैं? जो देखकर जोयान कहता है, तुम मोल भाव करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, मैंने जो कहा सिर्फ उतना करो। यहाँ पे तो जोयान यूनर को देखने से पहले ने बिल्कुल भी रियायत नहीं देना चाहता था। यहाँ पे तो गुटिंग बिल्कुल बेहोश सा होकर जमीन में बैठ गया होता है। दूसरे गुकलेन के लोगों ने ये नहीं सुना था कि गुटिंग ने जोयान से क्या कहा था, उन्होंने केवल ये सुना था कि गुटिंग सौदेबाजी करने के लिए उसके सामने कैपेबल नहीं है। इसीलिए ये लोग गुटिंग की तरफ चिल्लाते हुए कहते हैं, पेट्रियट एक लड़की के लिए आप हम सभी को कैसे मरवा सकते हैं, और उसे गालियां दे रहे होते हैं ये सभी लोग। इन सभी लोगों की आवाजों को सुनकर गुटिंग और भी उदास हो जाता है और काफी पछतावे के साथ वो तुरंत ही कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, क्या सचमुच मेरा गुकलेन डिस्ट्रॉय होने वाला है? तभी गुटिंग उदास होते हुए हंसता है और जोयान की तरफ देखते हुए कहता है,
साय जोयान, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरा गुकलेन क्या सचमुच में डिस्ट्रॉय होगा? अगर यूनर सच में यहाँ पे होती तो मैं तुम्हारे सामने उसे ले आता, लेकिन यूनर गुकलेन में नहीं है। जो सुनकर जॉन गुस्से में चौंकते हुए कहता है, तुमने क्या कहा, और तुरंत उसे एक लात मारता है जिससे गुटिंग पीछे हवा में उड़ता हुआ जाता है और खून चारों तरफ बिखरने लगता है। और गुटिंग जवान जमीन में गिर पाता है उससे पहले जॉन गुटिंग के सामने पहुंच गया होता है और उसकी चेस्ट पकड़ कर उसे उठाते हुए कहता है, मुझे बताओ यूनर कहाँ पे है। यहाँ पे तो गुटिंग बुरी तरीके से कांपते हुए काफी बार ब्लड की वॉमिटिंग करता है, जिसपे गुटिंग तुरंत याद करता है कि वो जब मेडिसिन इंग्रेडिएंट के एक बैच को लेकर एल्केमी पैलेस में पहुंचा था, तब यंग मास्टर ने उसे यूनर के बारे में पूछा था। जब यूनर के बारे में उसने बताया कि यूनर ने उसे मना कर दिया तो यंग मास्टर काफी नाराज हुआ था कि गुकलेन जैसा एक छोटे से क्लेन की एक लड़की उसे रिजेक्ट कर रही है, और जितना कोई चीज उसे नहीं मिलती उस चीज को पाने के लिए लोग उतना ही अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए गुटिंग ने सोचा था कि वो यूनर को एल्केमी पैलेस भेजेगा और वहाँ की लग्जीरियस और रिचनेस को देखकर शायद यूनर का मन बदल जाए। इसलिए उसने यूनर को डैन पैलेस में भेज दिया था, क्योंकि गुकलेन में तो यूनर हर टाइम पे नजरबंद थी, लेकिन डैन डीआर में कम से कम वो उससे बात कर सकता था। जब जोयान को ये पता है कि यूनर को पिल पवेलियन में भेज दिया गया है, जोयान तो और भी ज्यादा नाराज होता है। वो गुटिंग को तो यहाँ पे हाथ हिलाकर ही मार देना चाहता था, लेकिन तभी नान एर्विंग जॉन के हाथ को पकड़ते उसे रोकता है, जो देखकर जॉन हैरान होता है कि आखिरकार नान एर्विंग ने उसे क्यों रोका। तभी जो जॉन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अगर मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूँ और आप सही जवाब देते हैं तो हो सकता है कि आपके गुकलेन की बचने की एक उम्मीद हो सकती है। क्या डैन पैलेस के यंग मास्टर को पता है कि यंग मास्टर जो यूनर के पति हैं? जॉन को यह तो पता था कि यूनर को अभी कुछ टाइम पहले ही डैन पैलेस भेजा गया है, और अगर यंग मास्टर इतना वेट किया है तो वो जरूरी यूनर के मन को बदलने का वेट करेगा, और यूनर के साथ अभी भी कोई हादसा नहीं हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर यंग मास्टर को यूनर और जोयान के बीच के रिलेशन का पता है तो यूनर के लिए चीजें बिगड़ सकती थी। तब गुडिंग को भी यहाँ पे एक उम्मीद दिखती है कि उसका गुकलेन बच सकता है, इसलिए वो यहाँ पे कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करता और सच्चाई से कहता है, केवल फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर को पता था कि आप यूनर के पति हैं। हमने जोकलेन और डैन पैलेस के झगड़े के बारे में पहले थोड़ा सुना था, और यूनर हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती थी, इसीलिए भला हम डैन पैलेस के यंग मास्टर को आपके और उसके रिलेशन के बीच में कैसे बता सकते थे। और इसके बाद वो जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि बस वो गुकलेन को जिंदा रहने का एक मौका दे दे। तभी जोयान गुटिंग को साइड में फेंक देता है, और इसके बाद तुरंत ही कहता है, यूनर आप डैन पैलेस में है, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे जोयान भी टेंशन में होता है। तभी सभी लोग कहते हैं ये काफी मुश्किल होगा। तभी जॉन कहता है, चलो एल्केमी पैलेस के बारे में पता करते हैं, यूनर कहाँ पे और कैसी है। इस टाइम पे तो जोयान पूरी तरीके से बौखलाते हुए एल्केमी पैलेस के ऊपर अटैक करने का मूड बनाए हुए होता है, लेकिन तभी ये सब लोग जोयान को मना करते हैं और कहते हैं वहाँ पे जाना खतरनाक हो सकता था। उन्हें लग रहा था जोयान बेवकूफ़ी कर रहा है, तो हाँ भाई जोयान बेवकूफ़ी कर रहा था। यूनर के लिए तो उसे कुछ भी करना पड़े, जोयान इस टाइम पे किसी भी चीज़ पे ध्यान देने के लायक नहीं था। लेकिन तुरंत ही मुयर जोयान का हाथ पकड़ती है, जो कि अपने बोन विंग्स को फड़फड़ाते हुए यहाँ से निकलने ही वाला था, और तुरंत ही पूछती है, एशियंट क्लेन का क्या करना है। अरे बेवकूफ लड़की, एशियंट क्लेन की पड़ी हुई है तुझे। तभी जोयान अपने आप को रोक कर मुयर की तरफ देखता है, जिसकी आँखें किलिंग इंटेंट और ऐसे भरी हुई थी, जो देखकर जोयान हैरान हो जाता है कि ये क्यों गुस्सा है। लेकिन यहाँ पे जोयान समझ गया था कि यूनर उसकी वाइफ थी और ये मैडम भी उसकी वाइफ होने वाली थी, इसीलिए जोयान की वाइफ का अपमान इनका अपमान। उसे फील हो गया था कि यूनर को कितनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी होगी, क्या क्या उस पे गुजरी होगी, जिस कारण से तो पूरी तरीके से मुयर का दिमाग सनक गया होता है। लेकिन क्योंकि उसे जेनी की सजेशन याद थी, इसीलिए वो जोयान से पूछना चाहती थी कि इनको निपटाएं या छोड़ दिया जाए। तभी जोयान एशियन गुकलेन के लोगों की तरफ देखता और काइंडनेस के साथ गुस्से में कहता है, मैं सिर्फ यूनर की खातिर, क्योंकि तुम भी उसी ब्लड से हो, मैं तुम्हें आज जाने देता हूँ, लेकिन मैं सच कहता हूँ, अगर यूनर को कुछ भी हुआ तुम सब मारे जाओगे, सब के सब। और इतना कहने के बाद जोयान और उसकी टीम यहाँ से निकल जाती है, और यहाँ पे एशियन क्लेन के लोग जो खड़े हुए होते हैं उन्हें अपने दिल में बिल्कुल एक कोल्ड ऑरे का एहसास होता है, बंदे भड़बड़ा गए होते हैं। जिसके बाद हमें जुक्सी सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डैन पैलेस का मेन हॉल जो काफी ऊंचा था और हलचल से भरा हुआ था, और यहाँ से पूरे शहर का नजारा दिखता था। साथ ही किसी ने भी आज तक यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज यहाँ पे 7 लोग खड़े हुए थे जिनकी बॉडी पर सिर्फ किलिंग इंटेंट और था, और ये 7 लोग ऑब्वियसली जोयान मुयर लॉन्गी जोजान नैनमिक जी फेंग फेंग थे। किसको किसको ये सब नाम याद हो चुके और एक सांस में वो नाम बोल सकता है, बताना मुझे। यहाँ पे तो ये बिना कुछ बोले हुए एल्केमी पैलेस के मेन हॉल की सीढ़ियों पर चढ़ने लगते जैसे आसपास कोई हो ही ना। तभी अचानक एक गार्ड उन्हें रोकते हुए कहते हैं, रुको, बिना इजाजत के एल्केमी पैलेस के मेन हॉल में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम जीना नहीं चाहते।
एल्केमी पैलेस की दोनों ही सीढ़ियों पे कई फाइव स्टार डाउडी लेवल के गार्ड थे जो कि काफी ज्यादा ईगोफुल थे। यहाँ पे जोयान और बाकी सभी लोग रुक जाते हैं, लेकिन जोयान तो इस टाइम पे इतने गुस्से में था कि अगर ये सीढ़ियों की जगह तलवारें भी होती तो जोयान बिना सोचे हुए चल देता, आग का समुंदर होता तो भी कूद जाता। यहाँ पे एक 7 स्टार इंटरमीडिएट लेवल और 6 स्टार पीक लेवल के वॉरियर के साथ क्या जोयान यहाँ किसी की सुनने वाला था। लेकिन फिर भी जोयान को पता था कि एल्केमी पैलेस में जबरदस्ती घुसकर कुछ भी करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। साथ ही जोयान को पता था कि उसके और डांडियान के बीच का जो मामला है उसे कुर्सी तक तो कभी नहीं लाया जा सकता कि बैठकर दोनों लोग बात करें। लेकिन यहाँ पे उसने जोयान की वाइफ का ही किडनैप कर लिया था, तो जोयान इस चीज का यूज डांडियान के इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए करना चाहता था। हालांकि बेशक यंग मास्टर को नहीं पता कि जोयान की पत्नी है यूनर, इसीलिए जोयान यूनर को बचाने की खातिर इनके ऊपर फाइट तो कर ही सकता था। जो मैंसर की मेन टीम के साथ यूनर को बचाने के लिए डैन पैलेस की रिपोर्टेशन को चैलेंज करते हुए उसे डिस्ट्रॉय तो कर ही सकता था, इसलिए जोयान तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ और 7 स्टार इंटरमीडिएट लेवल का ऑरा जोयान रिलीज करता है, जिससे आसपास सीढ़ियों के जितने भी गार्ड होते लड़खड़ाकर पीछे हट जाते हैं। तभी उन गार्ड्स का लीडर चिल्लाते हुए जोयान से कहता है इस तरीके से एरोगेंटली यहाँ बिहेव कर रहे हो, क्या तुम और जीना नहीं चाहते। हालांकि उस लीडर को भी पता था कि अगर जोयान के पास 7 स्टार के आसपास है तो वो आसानी से जोयान की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो भी थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहा होता है। लेकिन तभी गार्ड चिल्लाते हुए कहते हैं ये एल्केमी पैलेस का मेन हॉल है, यहाँ पे तुम्हें ईगोफुल नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी जोयान चिल्लाते हुए कहता है अपने यंग मास्टर को बाहर बुलाओ, यंग मास्टर बाहर निकल। जोयान की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी लेकिन फुल गुस्से से भरी हुई होती है, जिससे पीछे के गार्ड तो सह भी नहीं पा रहे थे, उनके कानों से खून आने लगा था। तभी यहाँ पे रास्ते में चल रहे लोग तुरंत ही कहते हैं बहुत खूब, डैन पैलेस के मेन हॉल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है और ऐसा लगता है कि वो डैन पैलेस के सबसे बड़े यंग मास्टर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, बहुत बढ़िया अब मजा आएगा। तभी दूसरा बंदा कहता है लेकिन कौन इतना ईगोफुल हो सकता है, जिसपे तीसरा बंदा कहता है चलो चलो देखते हैं। वास्तव में एल्केमी पैलेस के मेन हॉल के बाहर खड़े होकर कोई एल्केमिस्ट पैलेस के रिपोर्टेटेड यंग मास्टर को बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहा था। ये आवाज और बात अगर फैल जाती तो इतना काफी था एल्केमिस्ट पैलेस की थू-थू होने के लिए। यहाँ पे तुरंत ही भीड़ जमा हो गई होती है और सभी इंटरेस्टेड तरीके से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 लोग तक जुड़ गए होते हैं और सबका कहना बस यही होता है कि ये बंदा जो एल्केमिस्ट पैलेस के यंग मास्टर को चैलेंज कर सकता है जरूरी बहुत ब्रेव होगा। तो कुछ लोग जोयान को चूतिया समझ रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे चूतिया किस्म के इंसान होते हैं जिन्हें खुद को छोड़कर हर अगला आदमी चूतिया लगता है, जबकि असल में वो आदमी चूतिया नहीं होता है बल्कि वो इंसान चूतिया होता है जो सामने वाले को चूतिया समझ रहा है। और अगर तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाए हो तो तुम भी चूतिया हो, और समझ गए हो तो नहीं हो। हालांकि तभी उस भीड़ में अचानक ही कोई जोयान को पहचान लेता है और हैरान होते हुए कहता है जोयान। तभी बाकी सभी लोग कहते हैं क्या वो जोयान है जिसने स्प्रिट लिक्विड को रिफाइन किया है, लेकिन वो इतना सुंदर है। हाँ हाँ, और उसके पीछे वो दो लड़कियां भी कितनी ब्यूटीफुल हैं। तभी एक बंदा कहता है क्या तुम यहाँ लड़कियां ताड़ने आए हो। तभी एक बंदा कहता है मुझे नहीं लगता कि वो जोयान है, क्या अभी कुछ टाइम पहले जोयान किलिंग ब्लड केव से बाहर नहीं आया, तो वो इतनी जल्दी 5 स्टार के पीक लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। जो सुनकर पहला बंदा कहता है तुम्हें कैसे पता कि वो 5 स्टार के पीक लेवल पर है। जो देखकर दूसरा बंदा कहता है अरे मैं 5 स्टार लेट स्टेज पर हूँ और मैं उसकी पावर नहीं देख पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो 5 स्टार पीक लेवल पर पहुंच गया है। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। जो सुनकर पहला बंदा कहता है सुनो चमन चूतिया इंसान, तुम्हारी 5 स्टार लेट स्टेज की पावर बहुत अच्छी है, हम 6 स्टार पर पहुंच चुके हैं, 6 स्टार स्टार्टिंग लेवल की पावर, हम भी उसकी पावर नहीं देख पा रहे। साथ ही अगर मैं उसकी ब्रीथ की बात करूँ ना तो वो 7 स्टार से कमजोर नहीं लग रही। कल्टीवेशन तो तुम करते नहीं हो, लड़कियां ताड़ते हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये कमजोरी है। जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है क्या तुम 6 स्टार स्टार्टिंग लेवल से भी उसकी पावर नहीं देख पा रहे। डैमन ये केवल कुछ हजार साल से ही 5 स्टार से 6 स्टार इंटरमीडिएट लेवल पर कैसे पहुंच गया। जो सुनकर पहला बंदा कहता है ओए वो सिर्फ 6 स्टार इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं है, उसकी टीम का सबसे वीक इंसान 6 स्टार इंटरमीडिएट लेवल पर है, सबसे स्ट्रॉन्ग की तुम बात छोड़ दो। जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है तुम बकवास कर रहे हो, कुछ हजार सालों में इंपीरियल कैपिटल डीजोउ से आई हुई एक छोटी सी ट्राइब इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। तभी पहला बंदा कहता है मैंने सुना है इंपीरियल कैपिटल डीजोउ और इंपीरियल किंगडम बीयुआन के बीच में उन्हें एक नया एरिया मिला है जो काफी अच्छा है और वो इस एरिया में ग्रो कर रहे हैं और उसे अपने लिए बिल्ड कर रहे हैं। जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है तो क्या हुआ अगर वो पावरफुल हो गए, क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी डैन पैलेस से बेहतर हो सकते हैं और डैन पैलेस को चैलेंज कर सकते हैं।
तभी पहला बंदा कहता है, देखो मैं इस चीज के बारे में तो कोई भी डिस्कशन और कमेंट नहीं दे सकता। मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर वो यहाँ पे खड़ा होके डांडियान को गाली दे रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए, और वैसे भी हम यहाँ पे मजे लेने आए हैं तो शांति से खड़े होकर मजे लो, हम इतनी परवाह क्यों करें। दूसरी तरफ जब डैन पैलेस के गार्डों को पता चलता है कि ये जोयान जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो थोड़ा सा हैरान होते हुए तुरंत ही नाराज हो जाते हैं। यहाँ पे सभी गार्डों को पता था जो मैंसन और डैन पैलेस की शत्रुता यानी कि दुश्मनी थी, लेकिन यहाँ पे ये गार्ड यही सोच रहे होते हैं अगर इसे कोई शिकायत भी है तो ये सामने आकर उकसाने की हिम्मत क्यों कर रहा है डैन पैलेस को, इसे छिपकर हिम्मत अटैक अटैक करना चाहिए। आखिरकार ये सिर्फ टुच्चे से जियो क्लेन का एक पैट्रियार्ट है। इन सभी को लग रहा होता है कि क्या जियो शिलाजीत खा के आया है, लेकिन यहाँ पे सब में थोड़ी थोड़ी चुल्ल होती है, वो यहाँ अपनी पावर दिखाना चाहते थे इसलिए तुरंत ही जियो यान की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन जब ये जियान की ब्लड ब्लैक आंखें देखते हैं और जियान के क्विक का फ्लक्चुएशन तो बेचारे दांत पीसते हुए जमीन में ही बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पे गार्ड लीडर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने बगल वाले गार्ड को आंख मारता है, जिससे गार्ड तुरंत ही समझते हुए अपना सेल आता है और सीढ़ियों से डैन पैलेस के मेन हॉल की तरफ भागते हुए दरवाजा खोलता है। यहाँ पे डैन पैलेस के सीनियर मेन हॉल के अंदर कुछ मामलों पे चर्चा कर रहे थे और डैन पैलेस का यंग मास्टर भी बाहर के हंगामे से अनजान बैठकर इन सभी की बातें सुन रहा था। लेकिन दरवाजा ओपन होते ही उसे ये शोर सुनाई देता है, जो देखकर सभी एल्डर्स अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हुए कहते इतना शोर क्यों है, और चुपचाप गार्ड के रिपोर्ट के लिए इंतजार करने लगते हैं। तभी वो गार्ड कहता फर्स्ट एल्डर जो यान था जिसने महल में घुसने के लिए लोगों को इकट्ठा किया है, वो कह रहा है कि उसे सबसे बड़े यंग मास्टर चाहिए। जो सुनकर तो डैन पैलेस के सभी लोग हैरान होते हुए कहते जो यान मेरे डैन पैलेस के सीनियर यंग मास्टर को चाहता है, इसलिए तुरंत ही कहता है जो भी कहना है ठीक से कहो, जो यान ने क्या कहा। जो सुनकर गार्ड यहाँ पे अनाउंस करते हुए थोड़ा सा अलर्ट तरीके से यंग मास्टर को देखता है और इसके बाद कहता है जो यान चाहता है कि सीनियर यंग मास्टर बाहर आए और उससे मिले, वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं। जो सुनकर तो सीनियर यंग मास्टर का चेहरा लाल हो जाता है और वो गुस्से से कहता है क्या, वो और जो यान तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर जो यान आखिरकार उसे क्यों बुला रहा था। इसीलिए वो तुरंत ही गुस्से से खड़ा होता है और कहता है इतना ही गोफुल, जो यान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्केमी हॉल के मेन हॉल में आकर मुझसे प्रॉब्लम क्रिएट करने की। और इसके बाद वो गार्ड की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, अगर कोई यहाँ पे मेरे नाम के ऊपर और रेपुटेशन के ऊपर सवाल उठाने की हिम्मत करता है तो क्या तुम उसे मार नहीं सकते, घबराए हुए कुत्ते की तरह तुम मुझे यहाँ खबर देने के लिए आए हो, बताओ तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए। जिस वो गार्ड तुरंत ही कहता है सीनियर मास्टर शांत हो जाइए। यहाँ पे तो गार्ड पूरी तरीके से डर गया होता है और जल्दी से बचाव करते हुए कहता है ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता था जियान को मारना, ये बस इतना है कि मैं उसे मार नहीं सकता, इसीलिए मैं रिपोर्ट करने के लिए आपके पास आया। जो सुनकर थर्ड एल्डर तुरंत ही कहते हैं बेकार गार्बेज, जियान केवल 5 स्टार पर है, आप में से कौन 5 स्टार पर नहीं है, क्या आप एक साथ मिलकर एक अकेले बंदे को नहीं मार सकते। जो सुनकर वो गार्ड तुरंत ही कहता है थर्ड एल्डर जियान कोई 5 स्टार पर नहीं है, हमने जैसे ही उसे घेरा था उसकी बैटल क्विक के ऑरे से ही हम लोग पीछे हट गए, ऐसा लगता है कि वो 6 स्टार पीक लेवल तक स्ट्रांग है, साथ ही उसके साथ जो भी उसके सबऑर्डिनेट है ऐसा लगता है कि कम से कम 7 स्टार पर है। जो सुनकर तो हर कोई काफी हैरान होता है कि क्या जियान 7 स्टार पर है और उसके सबऑर्डिनेट 6 स्टार पीक पर, अगर जो यान किलिंग ब्लड केव से बाहर आने के बाद कंटिन्यू कल्टीवेशन भी करे तो भी ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इन्हें तो लग रहा होता कि जियान ने किसी पिल को सेलो किया होगा जिससे उसकी पावर बढ़ गई होगी, बैटल क्वी में उसके ऑरे में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन बढ़ गया होगा, इसीलिए वो तुरंत ही कहता क्या हम में से किसी ने ऐसी पिल के बारे में सुना है जो 2 स्टार तक ऑरे को बढ़ा सके। तभी ग्रेट एल्डर कहते अगर ऐसा है तो सच में ये काफी मिस्टीरियस पिल होगी, और इसके बाद वो कहते हैं क्या वहाँ पे सिर्फ जो यान है, जिसमें गार्ड तुरंत ही कहता नहीं उसके साथ 6 और लोग हैं, जिस पे वो तुरंत ही पूछता है बाकियों की ताकत क्या है, क्या वो जियान से स्ट्रांग है। यहाँ पे एल्डर को लग रहा होता है कि अगर जियान बेझिझक यहाँ तक आने की हिम्मत करता है तो जियान के पीछे का बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि वो लोग 7 स्टार के ऊपर या कि 8 स्टार तक होने चाहिए। यहाँ पे गार्ड को भी पता था कि वो गलत रिपोर्ट करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है मैं अपनी पावर के साथ उनकी पावर तो नहीं देख सकता, लेकिन उनका और जो यान जितना स्ट्रांग नहीं है उन सभी को 6 स्टार पर होना चाहिए। साथ ही जो यान उन्हें लीड कर रहा है इसका मतलब है वो सभी सबऑर्डिनेट है जो यान के। जो सुनकर ग्रेट एल्डर थोड़ा सा रिलैक्स फील करते और कहते अगर वो 6 स्टार है तो फिर ये जो यान के ही लोग होंगे, क्योंकि जियो मैंसन में कई सारे 6 स्टार के वॉरियर हैं, मतलब जियान को किसी से हेल्प नहीं मिली। जिसके बाद वो गार्ड को कहता है नीचे जाओ और जल्दबाजी मत करो, जो यान और बाकी लोगों को शांत करो। गार्ड के जाने के बाद गेट बंद होता है और ग्रेट एल्डर कहते हैं कोई शक नहीं कि जो यान ने वास्तव में लैन यांग और बाकी के 16 लोगों को मार दिया तो वो 5 स्टार नहीं बल्कि 7 स्टार पर है, कैसा हो सकता है कि ओल्ड डेमन एम्परर के ग्रेड यार्ड से उसे
ऐसे पिल फॉर्मूले मिल गए हो जो उसकी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं काफी जल्दी, या फिर इन लोगों के पास कोई दूसरा बेहतर रीजन नहीं होता। इन्हें लग रहा होता है यही एक रीजन हो सकता है जो जियोन की पावर को रॉकेट की तरह बढ़ा सकता है। हालांकि इस हेवन को चैलेंज करने वाले पिल के बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करते। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं ऐसा नहीं है कि आपकी पावर को बढ़ाने के लिए कोई पिल नहीं है, लेकिन वो आपको एक ही लेवल तक अपग्रेड करती है। लेकिन अगर जियोन को एक लेवल ब्रेक थ्रू करना था तो उसे 6 स्टार पीक लेवल पर होना चाहिए था, तब वो 7 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर सकता था। लेकिन जो यान किलिंग ब्लड केव से आए हुए उसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो 5 से 7 तक उसने 2 स्टार कैसे ब्रेक कर लिया। ऐसी चीजें केवल एशियंट इंस्क्रिप्शंस में ही मिल सकती हैं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं सुना। यहाँ तक कि भले ही जो यान को रैंक 9 और अंडरवर्ल्ड रैंक की पिल फॉर्मूला या पिल मिल जाए, पिल फॉर्मूला मिल जाए, डाउडी कॉन्टिनेंट कौन इसे रिफाइन कर सकता है। यहाँ तक कि ओल्ड डेमन एम्परर भी नहीं रिफाइन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सभी लोग एक ही चीज पे कंफ्यूज होते कि जॉन की पावर 7 स्टार पर कैसे हो सकती है। तभी यहाँ पे यंग मार्शा खड़ा हुआ होते हुए कहता है मुझे परवाह नहीं कि वो 7 स्टार पर कैसे पहुंच गया, क्या वो केवल 7 स्टार ही नहीं है, मैं डांडियान का सीनियर यंग मास्टर हूँ 7 स्टार इंटरमीडिएट लेवल। यहाँ मेरे सामने जो यान आपको लगता है कि वो सबके सामने मुझ पर चिल्ला सकता है। यहाँ पे तो बंदा गुस्से से खड़ा हो गया होता है कुछ 6 स्टार और 7 स्टार के साथ। जो यान मेरे मेन हॉल के सामने खड़ा होकर मुझ पर चिल्लाने और मेरे अपमान करने की हिम्मत करता है, लेकिन उसे सबक सिखाया जाना चाहिए और ये भी देखा जाना चाहिए कि वो असली 7 स्टार है या नकली। तो चलो गाइस इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं पे एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम अब इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके तो बाय बाय थ्रियन फैमिली, एंड ऑल्सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।